हम बेलागंज सभी मतदाताओं से ही अपील करना चाहेंगे कि जो आपका धरोहर है उस धरोहर को बचाइए, खास करके बेलागंज विधानसभा जो है मगध का, जिस तरह से ट्रांसफार्मा में 440 वोट जो लाइन मिलता है ट्रांसफार्मा से, उसी तरह से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाए, मोबाइल के माध्यम से गए, फोन किए, हमसे बात हुई, हम गए और उसके सामने हमको टिकट मिला और लालू यादव के आशीर्वाद रहा और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के और अगल बगल के सपोर्टर लोग के हमारा सहयोग मिला कि हम 2015 में विधायक बने। और नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज। अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के ओर में मौजूद हूं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि मखदुमपुर के पूर्व विधायक सुबेदार दास जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी विधायक जी से बातचीत करेंगे कि बेलागंज में क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि 35 साल से लगातार सुरेंद्र प्रसाद यादव MLA थे, विधायक थे, अभी जहानाबाद सांसद हुए हैं, यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, यानी उन्हीं का लड़का, उन्हीं का बेटे विश्वनाथ जी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आप तो घूम रहे हैं, माहौल क्या दिख रहा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल बाबू कि आपने कम से कम भी जनसंपर्क अभियान में आप मौजूद हुए, इसलिए हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। देखिए, अभी जो आपका जो खास करके बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और यहाँ से पूर्व जो है आपका यहाँ 35 वर्ष डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जी यहाँ के विधायक रहे, 35 साल के दरमियान में, और हम जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जनता के भाई बधाई देते हैं कि कम से कम संघर्ष करते करते चौथा बार अवसर मिला कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद जी वहाँ के सांसद बने। उसी अंतराल में यहाँ सीट खाली हुआ। अभी जो है महागठबंधन इंडिया के प्रत्याशी जो यहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के सुपुत्र विश्वनाथ यादव जी यहाँ के उम्मीदवार हैं, हम उनके पक्ष में हम वोट लोगों के बीच में गांव घर टोला बीघा में घूमते हैं। पड्डे विधायक जी कितने गांव में घूमते हैं? करीब करीब जो खास करके महादली टोला के गांव है, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी मिली है कि भाई जिस समुदाय से आप हैं उसी समुदाय में आप जाइए, और हम खास करके अपने ही समुदाय में रविदासी समाज में हम घूम रहे हैं। हम करीब 25 गाँव के हम अभी भ्रमण कर चुके हैं। माहौल तो देख रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं रविदास समाज में बैठते हैं, जो बुद्धिजीवी नौजवान युवा सब लोग से मिलते हैं, महिलाएं सब लोग से मिलते हैं, जब बैठते हैं, जब बातचीत होती है। समाज की महिला लोग क्या कह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार यह दावा कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफ़ी विकास किए हैं, आरक्षण दिए हैं, तो महिला हमारे पक्ष में वोट करेगी? नहीं नहीं, आरक्षण के जहां तक के सवाल है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान में हम लोग को आरक्षण दिए हैं, नीतीश कुमार जी क्या या कोई दे सकते हैं हमारा अधिकार? हमारा तो बाबा साहब ने अधिकार दिए जो संविधान में हम लोग के निहित है। जी जी, आज हम आपका उदाहरण हैं कि अगर बाबा साहब संविधान में आरक्षण नहीं देते तो इस सुबेदार दास गरीब घर के बेटा जैसे विधायक नहीं बनता। जी और नीतीश कुमार जी के बात करते हैं, नीतीश कुमार जी यहाँ 20 वर्ष से यहाँ मुख्यमंत्री के पद पर हैं, एकर पहले लगाते थे कि जंगल राज है, तो हमको तो लगता है उससे ज़्यादा महाजंगल राज है। तो बोले शांति व्यवस्था कायम की है पूरा बिहार में? ऐसा बात नहीं है, शांति व्यवस्था जो है आज हम देखे हैं, हम भी चूंकि हम भी बड़ी संघर्ष करते हुए और झेलते हुए इस कामयाब तक पहुंचे हैं। आज जो इतना भी जो भी विकास, जो खास करके दलित में जो मानसिक रूप से जो गुलाम था उसको अगर आज़ादी दिलाने का काम किए तो लालू यादव ने किया। एकर पहले 90 के दशक के पहले जो लोग जो आपस में एकजुटा नहीं था, टूट फूट था, वो आज वाम दल का दिन है, उस समय में जागरूक किया, और 1990 में जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने तो जो मानसिक रूप से गुलाम था उसको आजाद दिलाने का काम किए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आरक्षण किए, लालू प्रसाद यादव आवाज़ बुलंद किए, क्या लग रहा है आपकी बात मानकर कितना महादलित जो हैं, दलित हैं, रविदास जाति से लोग वोट करेंगे विश्वनाथ यादव को? अभी की स्थिति में जो खास करके रविदास समाज के लोग हैं, 80 से 90% वोट लटीन को देने जा रहा है, यानी फिर से यहाँ पे सुरेंद्र यादव का ही किला जो है बचा रह जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ जो है सुरेंद्र प्रसाद जी का किला जो है, जो खास करके बेलागंज विधानसभा जो है मगध का, जिस तरह से ट्रांसफार्मा में 440 वोट जो लाइन मिलता है ट्रांसफार्मा से, उसी तरह से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है जो यहाँ समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। क्या लग रहा है, विधायक जी आए हैं मिल रहे हैं आपसे, विधायक जी के बात को मानते हुए RJD के पक्ष में वोट करेंगे आप लोग? एकदम मान रहे हैं, करेंगे, उनका बात को एकदम पूरे मान रहे हैं। तो जैसा कि एक ग्रामीण है, ग्रामीण का भी साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी आए हैं तो विधायक जी के बात को मान करके RJD प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के वोट करेंगे, पर देख कहना चाहेंगे विधायक जी बेलागंज क्षेत्र के वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम बेलागंज सभी मतदाताओं से ही अपील करना चाहेंगे कि जो आपका धरोहर है उस धरोहर को बचाइए,
ऐसा कहा जाता है विधायक जी, आप तो जैसा कि हर मंच पे कहे हैं कि हमको लालू यादव जो है कि टिकट दिए हैं, क्या लग रहा है? लोग तो कहता है कि पैसे दे करके टिकट मिलता है। ना ना, वैसा बात नहीं है। हम तो भाई आप लोग के उदाहरण हैं कि हम घर पर थे और 2015 में जब चुनाव होने लगा तो हम घर पर थे, हमको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाए, मोबाइल के माध्यम से गए, फोन किए, हमसे बात हुई, हम गए और उसके सामने हमको टिकट मिला। और लालू यादव के आशीर्वाद रहा और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के और अगल बगल के सपोर्टर लोग के हमारा सहयोग मिला कि हम 2015 में विधायक बने और वैसा व्यक्ति को हराया कि जीताराम मांझी जी को चुनाव हराए। जी विधायक जी, इस मैटर पे भी एक अलग एपिसोड बनाएंगे, विधायक जी से चर्चा करेंगे। विधायक जी हमसे ऐसे व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि कैसे गरीबों का मसीहा जो लालू यादव हैं वो हमको कैसे घर से बुला करके टिकट देते हैं, हमारे पास एक रुपया नहीं होता है फिर भी हम विधायक बने मखदुमपुर से। इस मैटर पर भी आपसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, विधायक जी से बातचीत करेंगे। तब तक ये विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार आपको दिखा रहे हैं विधायक जी, जैसा कि साफ तौर पर कहें कि हाँ फिर से जो है कि आरजेडी जीतेगी, विश्वनाथ यादव जीतेंगे, देखना है किसके पक्ष में मतदान होता है। तमाम जानकारी अपडेट करते रहेंगे, देखते रहे एजे टीवी न्यूज।